रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं जिंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। यहाँ पर आजकल बड़ा मज़ा है, इसलिए कि सावन शुरू हो चुका और सावन के जो मज़े हैं उसमें मौसम आज भी सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला लाहौर में, और मौसम जो है वो खुशगवार, बादलों के घेरे, रोशनी नहीं उतनी, उतनी गर्मी नहीं, उतनी सूरज की जो मसले होते हैं वो नहीं, टेम्परेचर इतना नीचे। तो ये एक ऐसा मौसम है जिसको हम सब मिलके बहुत इंजॉय करते हैं, और जब अचानक ऐसा मौसम हो जाए, सख्त गर्मी, एकदम सूरज निकला हुआ है और पसीने निकल रहे हैं और एकदम से हमें लगे कि बारिश होना शुरू हो गई है, मौसम अच्छा हो गया, तो क्या कहते हैं उसको, इसको क्या कहेंगे हम, खुशगवार मौसम हो जाएगा। मगर हम कहेंगे ना एकदम से मौसम बड़ा खुशगवार है। लेकिन अच्छा चलें, एक और चीज़ आपसे पूछते हैं, आप गई हैं किसी दुकान पे और आपको एक ऐसा लॉन का जोड़ा मिल गया या कोई जोड़ा मिल गया जो इंतहाई आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी कीमत पे मुझे ये वाला जोड़ा मिल गया, तो आप क्या कहेंगे, हाँ आप क्या कहेंगी, नहीं इनको दें, क्या कहेंगी जी, औसम वाओ, अच्छा और आप क्या कहेंगी, हाँ आप भी यही कहेंगी, और कोई नहीं, खुश मौसम के जोड़ा मिल गया आपको, मौसम माहौल कहाँ से आ गया, हाँ लॉटरी निकल आई है, लॉटरी निकल आई, अच्छा आप क्या कहेंगी, लॉटरी लॉटरी निकल आई है जी, और क्या कहेंगी, हमारा जैकपॉट निकल है, हमारा जैकपॉट लग गया है, और क्या कहेंगे, हमारा फ्लू, वी आर सो लकी। सो बाज़ुका जिंदगी में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपको खुद यकीन नहीं आता कि ये क्या हो गया है और ये कैसे हो गया, और वो सिचुएशन जो कुछ भी हो सकती है, आपने बहुत बुरी तैयारी की और आपके सामने जो चार सवाल आपने याद किए हुए थे, आप एग्जाम में गए और पता चला उन्हीं में से दो आ गए हैं, तो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, थैंक गॉड, अच्छा सब लोगों के बड़े पक्के पक्के वाले जुमले हैं, लेकिन असल में होता ये, बंदा कहता है यार मेरा तो जैकपॉट लग गया, कोई बहुत अच्छी सी चीज़ मिल जाए, अचानक इत्तफाकन मिल जाए, हादसातन मिल जाए, सोची ना हो, प्लान ना की हो, और आपको आपकी तवक्को से, आपकी ज़रूरत से, आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए, तो यही एक बात है जो कि हम कहते हैं हमेशा। अच्छा आज मैंने आपको मिलवाना है कुछ ऐसे बहुत प्यारे प्यारे आर्टिस्टों से, उनका भी जैकपॉट ही लग गया है, लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि उनका जैकपॉट क्या लगा है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपकी उनसे मुलाकात। खुशामदीद, मैंने आपको कहा था मेरे आज के मेहमानों का बहुत जबरदस्त किस्म का जैकपॉट लगा है, और इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं कि उनका जैकपॉट क्या है, मुझे आप लोग तो बताएं कब कहते हैं कि जैकपॉट लगा है, कौन सी सिचुएशन में आप कहते हैं, बगैर तवक्को की चीज मिल जाए, ठीक है, और क्या हो तो जैकपॉट लगता है जी, अचानक अगर प्राइस बॉन्ड निकल आए, देखे वो, तो वो निकला है कभी, तो, हाँ जी मेरा आज तक नहीं मेरा आज तक नहीं निकला, मुझे लगता है प्राइस बॉन्ड निकलते ही नहीं है, निकलता है, अल्लाह ताला से खलूस दिल से दुआ मांगे तो निकलता है, जरूर निकलता, बस सिर्फ आप ही अल्लाह से खलूस दिल से दुआ मांगते हैं, हमारे पास तो दुआ ही नहीं है, हमारे जैकपॉट नहीं लगाए, निकलेगा आपका, निकलेगा, चलो मेरे लिए आप दुआ कीजिए, और किस किस का जैकपॉट लगा आज तक जिंदगी में, और क्या जैकपॉट लगा है जी, जी फेवरेट शूज मिल जाना, शूज पसंदीदा जूते मिल जाना, तो जैकपॉट लग गया, बैग्स और शूज, अच्छा बैग मिल जाए या जूते मिल जाए कहीं से, यानी खुद ना लेने पड़े, कहीं से मिल जाए तो वो जैकपॉट है, बिल्कुल सही, और क्या गिफ्ट जिस तरह मिलते हैं, बैग्स वगैरह, मैं समझ गई, मैं समझ गई हूँ, कहीं से मैं समझ गई हूँ कि उसका मतलब कहीं है, अच्छा आप खुद से लिया, खुद से लिया तो वो जैकपॉट नहीं है, कहीं से मिला है तो फिर जैकपॉट है जी, और क्या जैकपॉट है किसी की जिंदगी में, और कोई जैकपॉट है जी, अपना फेवरेट एक्टर को देखना, अपने फेवरेट एक्टर को देखना, अपने फेवरेट एक्टर को देख ले तो भी जैकपॉट लग जाता है जी इनका,
इनको भी माइक देने बड़ी खूबसूरत जुमला कहा है। उन्होंने कहा अपना फेवरेट घर क्या, बहुत अच्छा घर मकान दे दिया अल्लाह ताला ने आपको। अच्छा तो इन्हें लगा मेरा जैकपॉट लग गया भाई, जिंदगी में इनका ही जैकपॉट लग गया। और किसी का कोई जैकपॉट लगा आज तक? कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला किसी को, कोई अच्छा बंदा नहीं मिला, तो फिर वो याद क्यों नहीं आ रहा? वो भी जैकपॉट ही है, वो भी एक खुशकिस्मती है जी। क्या कह रही है? अच्छा कहीं से मिल जाए। अब आप गौर करें, ये सारे जैकपॉट्स जो है ना, इसमें जिस चीज पे जोर है वो है कि हर चीज मिले लेकिन कहीं से मिले। अगर वो कहीं से मिलेगी ना तो वो जैकपॉट है, अगर आपने खुद मेहनत करके ली, तरद्दुद करके ली, मिन्नतें करके ली, तो वो भी जैकपॉट हुआ, वो तो आपको आपकी मेहनत का सिला मिला। अगर अच्छी बहू मिल जाए तो ये भी जैकपॉट। अच्छा ये तो जिंदगी के जैकपॉट्स हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमारे एक्टर्स का, हमारे आर्टिस्टों का कौन सा जैकपॉट लगा। और जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ भाई, बाग कमाल है, इसलिए कि आपने उनको देखा है बहुत सारे ड्रामों में परफॉर्म करते हुए। अपने जैकपॉट के बारे में वो खुद ही आके हमें बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी एक ऐसे एक्टर को जिन्होंने आरजे के तौर पे अपना करियर शुरू किया था, एंड देन मॉडलिंग एंड देन एक्टिंग एंड नाउ माशाल्लाह फिल्म एंड व्हाट नॉट, इतने सारे ड्रामे जिसमें आप उनकी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस देखते हैं। ही इज अ सुपरस्टार, प्लीज वेलकम, मेरे साथ हैं आज नूर हसन। नूर वाकई उन लोगों में से है जो ये कह सकता है कि मैं इतना सा था जब मैं आपको देखा करता था। इसलिए कि मेरी और नूर की मुलाकात जो है बहुत पुरानी है। और मैं बहुत एक्साइटेड था आपके पास आने के लिए। जैसे ही मैं लाहौर आया मैंने कहा फरा के पास तो मेरे जाने की। नहीं, थैंक यू सो मच, दिस वाज माय ओन रिक्वेस्ट टू बी हियर। नहीं इट वाज माय रिक्वेस्ट, आई एक्चुअली आस्क्ड यू कि नूर आए तो नूर ने कहा कि मैं दरअसल बहुत बिजी हूं फिल्म की उसमें, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। तो आज फाइनली इट्स सो गुड टू सी यू, आई थिंक इट्स सच अ गुड मॉर्निंग, या इट इज टू हैव यू हियर, it to becomes even you. better. Thank you so much. मैं तशरीफ रखे, मैंने नूर के जैकपॉट के बारे में पूछना है, अभी आप ये देखिएगा आपको पता चलेगा इनका कौन सा जैकपॉट लगा। एक और हमारी बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी एक ऐसी आर्टिस्ट जिनको आपने जिस भी ड्रामे में देखा है, कभी आप उनके साथ हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी लगता है बहुत चलाकू मासी है, कभी आपको उनकी नाज व अंदाज पे, एकदम उनकी मासूमियत पे प्यार आ जाता है, और ऐसी बेवकूफ़ी के साथ चलाकी करती हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि चलाकी कर रही हैं कि बेवकूफ़ी कर रही हैं, और बहुत ज़बरदस्त सी एक्टर। सो मेरे साथ है हमारी बहुत प्यारी सी सनम चौधरी। अरे सनम के साथ भी एक तरह से मैं कह सकती हूँ फैमिली टर्म्स है, फैमिली रिलेशंस, क्योंकि सनम जो है, आई थिंक सनम से भी बहुत पुरानी बचपन के जमाने से मुलाकात है। मैं आपको तब से देख रही हूँ जब तब आप एक्ट करती थी और हम छोटे से थे। अब आपके शो में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। हम फर्स्ट टाइम आई हूँ। यस, इट वाज गुड टू हैव यू, थैंक यू सो मच। अभी मैं जैकपॉट का पूछूंगी सनम, लेकिन हैव सीट, इस तरफ आ जाए आप। अच्छा जी, हमारे अगले एक्टर जो हैं एक बहुत सीजन, बहुत मैच्योर एक्टर, लेकिन जब वो कॉमेडी करते हैं तो उसमें रंग भर देते हैं, जब वो गुंडे टपोरी बनते हैं तो उसमें भी एक रंग भर देते हैं, एक स्टाइल और एक अंदाज भर देते हैं। आज वो आपको बताएंगे कि उनका जो जैकपॉट लगा है उसमें उनका रूप जो है वो क्या है। मेरे साथ है अदनान शाह, टीपू। आपने सनग्लासेस लगाए तो सूरज ने भी शर्मा के पर्दा कर लिया। सूरज ने बड़ी जूदा, वो कहते हैं ना जब से मैं लाहौर में आया हूँ सूरज बड़ा मेहरबान हो गया, उसने कहा जैकपॉट लग गया आपका। अब हमारा तो जैकपॉट लग गया, बारिशें हो गई, मौसम इतना खूबसूरत हो गया, और अपनी बेगम के साथ आया हूँ तो जिंदगी हसीन हो गई। ओए होए होए, इनके लिए एक्स्ट्रा तालियां। ये बेगम के साथ आकर तो ये कह रहे हैं जिंदगी हसीन होगी, वरना जो शादीशुदा मर्द होते हैं ना अक्सर बीवियों को एक लतीफा सुनाते हैं, वो कहते हैं कि मैं बीवी को साथ लेके गया तो किसने कहा यार पीसी में आते हैं तो लंच बॉक्स क्या साथ लेकर आते हैं? तो ये वाहिद नहीं है, ये वाहिद नहीं है जो ये कह रहा है कि बीवी के साथ आए हूँ तो सब चीजें हसीन होगी। किसी ने इस गुलशन का तहफ्फुज़ करना है। बिल्कुल सही। टीपू कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह फरजी, आप बताइए। अब मैं आपको शाहजी कहूँ, टीपू कहूँ, अदनान कहूँ? यार जब से मेरी बेटियां पैदा हुई मैं कहता हूँ मुझे अदनान शाह टीपू ही कहें, क्योंकि मेरी बच्चियों के साथ लगा हुआ खुशी अदनान शाह, रोशनी अदनान शाह,
तो ताबीर अदनान शाह, मन्नत अदनान शाह, तो मैं कहता हूँ मुझे आप सब लोग अदनान शाह टीपू ही कहते, ताकि वो जो उनका रेफरेंस है ना वो पूरा रहे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया तशरीफ रखेंगे। मैं लोगों को सबको बुला लूँ तब हम अपनी गुफ्तगू जो ऐसे शुरू करेंगे। अच्छा जी, आज जिन लोगों का जैकपॉट लगा है उनमें चंद ऐसे लोग भी हैं जिनको आप देखेंगे, आप उन्हें पहचानेंगे और आप अभी से देखना शुरू उन्हें शायद करना भी करें, आप उनको फॉलो करना शुरू करें कि उनका जैकपॉट जो लगा है वो कैसा है और क्या है। सो मैं दावा देने जा रही हूँ यहाँ पे हमारे एक और बहुत अपकमिंग स्टार, एक अपकमिंग टैलेंट, एक ऐसा नौजवान जिसने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया हुआ है और बहुत जल्द उम्मीद है कि वो छा जाएगा, इनायतुल्ला। आपका कौन सा जैकपॉट लगा अभी? मेरा कि मैं सनम चौधरी के साथ काम कर रहा हूँ। ओह, तो ये इधर नूर की तरफ ध्यान नहीं है आपका? उनको इंट्रोड्यूस कराएंगी, वो कहेंगी। अच्छा, वो ये बात कहेंगे। ओके, सो आपने अपने अपने बंदे जो हैं वो किए हुए हैं, क्लियर है उस पे? बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, तशरीफ रखेंगे आप। हाँ, अरे मेरा ख्याल है पार्टियाँ अलग अलग हो रही हैं, वो खुद ही से अपनी अपनी पार्टी अभी करें। अच्छा, अब जो अगली जिस मेहमान को मैंने बुलाना है वो भी इसी तरह से एक बड़ी ज़बरदस्ती एक्ट्रेस जो कि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी जगहों पे नजर आने वाली हैं और जैकपॉट उनका भी लगा है। प्लीज़ वेलकम फ़ाइज़ा खान। जो है खवातीन बड़ी सख्त ईस्टर्न अटायर में, बड़ा कमाल झुमकी शुमकी लहंगे शेंगे, क्या बात है, कुछ ना कुछ बिल्कुल ठीक है। बड़ा मजा आ रहा है प्रमोशंस पे। मेरा जैकपॉट मुझे आज मिल गया आपसे मिलके। अरे वाह, लेकिन नूर कह रहे थे कि आप कहेंगी कि जैकपॉट ये है कि मैं नूर के साथ हूँ। जैकपॉट आप देख ही रहे हैं, इससे पहले कि मैं चाहूंगी सर आप बताओ कि क्या चीज है जैकपॉट। हमारी इतनी अच्छी मूवी रिलीज होने वाली है 6 जुलाई को, इट्स अ कॉमेडी थ्रिलर, आप लोग हंस हंस के पागल होने वाले हैं, हम सब उसके अंदर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ सरप्राइज एंट्रीज हैं, लेजेंड्स हैं, आई वॉन्ट आप लोग देखें। और जैकपॉट खाली हमारा नहीं लगा, जैकपॉट उनका भी लगेगा जो इस मूवी को आकर देखेंगे। वेरी गुड, ठीक है, सो डोंट मिस योर जैकपॉट, ठीक है। और अब मैं जिस बंदे को बुलाने जा रही हूँ हमारे साथ, तो उनका रिश्ता ऐसे है, तो घर के बंदे हमारी तो टीम के मेंबर है, लेकिन वो सिर्फ हमारी टीम के मेंबर नहीं है बल्कि इस टीम के मेंबर भी हैं, इसलिए कि जब वो आ जाते हैं तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई जो है वो उठे ना और कोई उनके साथ शामिल ना हो। माशाल्लाह से इज सच ए गुड परफॉर्मर, अमेजिंग, जितना इनका नाम डेंजरस है उतनी इनकी परफॉर्मेंसेस भी डेंजरस होती हैं। प्लीज वेलकम सोनू डेंजरस। जनाब आप मिल रहे हैं आज फिल्म जैकपॉट की कास्ट से, और सारी की सारी कास्ट से है, बड़ी जबरदस्त फिल्म जो है ये तमाम पूरे पाकिस्तान में रिलीज हो रही है सनम। और कौन सी पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही है 6 जुलाई को और पाकिस्तान के बाहर भी कुछ ममालिक में, ठीक है, तो 6 जुलाई को हम लोग जाके अपने सिनेमाज में देख सकते। बिल्कुल, वाह, तो आपने मिस नहीं करना, इसलिए कि सनम ने बताया है कि आपका फिल्म देखना भी जैकपॉट होगा। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि नूर, चूंकि नूर से बड़ी पुरानी मुलाकात है, नूर एटीवी से शुरू किया, नूर बड़ा जबरदस्त आरजे हुआ करता था, आज तक इनकी जो खूबसूरत आवाज है मैं उसकी बड़ी गर्विदा हूँ। अब प्योर ब्रॉडकास्टिंग वॉइस माइंड तो नहीं कर रही ना? आई वाज द फर्स्ट वन हु यूज्ड टू एडोर हिज ब्यूटीफुल वॉइस, इसलिए कि ये इसकी आवाज बड़ी खूबसूरत, एंड देन एक्टिंग का सारा सिलसिला, आज नूर एक सुपरस्टार है। नूर, हाउ कैसा लगा जर्नी? बहुत अच्छा लगता है जर्नी, अगर आप यू गो बैक इन टाइम, लेकिन मुझे उनकी बात है, मुझे लो टाइम्स भी आते हैं, हाई टाइम्स भी आते हैं, बट लकीली आई थिंक थोड़ी सी परवरिश भी ऐसी है, लो टाइम्स याद नहीं रहते, हमेशा हाई टाइम्स ही याद रहते हैं, तो वो खुशी को चेरिश करने का मजा भी आता है। ठीक है, अच्छा, इतना चिज़ल्ड, इतना जबरदस्त सा जो कट है और इतनी जबरदस्ती वाली ये दाढ़ी है, इसका कोई सीक्रेट तो बताओ जो सब लोग देख रहे हैं, इतनी अच्छी जॉ लाइन का जॉ बोन का। हां, इसका वो एक बियर्ड ऑयल मिलता है, अब एक्चुअली वो लगाया, इट रियली हेल्प्स स्पेशली पीपल हु डोंट हैव मच हेयर। इट विल डेफिनेटली, सो जो लड़के देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि नूर का स्टाइल जो है उसे फॉलो करना है, तो वो इस तरह से इसको कर सकते हैं। जी सर,
आपने क्यों इतने चलाकू मासी वाले रोल करने का वो किया हुआ है? सब लोग रोता धोता देखते थक गए थे, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट दिखाऊं, तो इसलिए अभी एक नेगेटिव कैरेक्टर किया और सब मेरा असल नाम भूल गए, सिर्फ मुझे अंजी के नाम से अब जानते हैं। तो खुद को क्या लगा, अच्छा नेगेटिव रोल या फिर वो रोने धोने वाला? मुझे तो कोई भी दे दे, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डू। लाइक जब हम सेट पे भी होते थे, करनी चलाके ही होती थी, उल्टा दूसरे बंदे को भी हंसी आती जिसके साथ आप कर रहे होते, गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जब हम सेट पे होते थे हम लोग इतना हंसते थे, कुछ भी मैं एक्ट करती थी, कुछ भी फ्री हैंड दिया होता डायरेक्टर ने, तो मैंने सब बहुत अच्छे से वो यू नो घोल कर पी ली थी वो चलाकियाँ कि मैंने करना किया है, तो बहुत इंजॉय किया वो करते वक्त। और फिल्म ये पहली है ना? फिल्म पहली है। अच्छा, और फिल्म कैसी, फिल्म में डांस वांस और सनम कैसी है? डांस अच्छी बात ये है ना, तो उसमें आप रोता धोता देखेंगे ना, कोई चलाकियाँ लगाते हुए देखेंगे, एक डिफरेंट चीज है मेरे लिए, क्योंकि आप सिर्फ मुझे चलाकियाँ तो लगाते देखेंगे, थोड़ा सा थोड़ी चलाकी लगी नहीं, मुझे लगता है इस मोड में वो मुझे पहली बार देखेंगे, काफी अच्छी खुशहाल सी, और जैकपॉट तो मेरी इनसे, क्योंकि आपने सॉन्ग देखे होंगे। मैं सनम को जानता हूं तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं, माशाल्लाह हमें ये मतलब शी इज नोन टू बी सो ब्यूटीफुल, लेकिन फिल्म में जो उसके ग्रैंडियर है, जो प्रेजेंस है, वो आई थिंक आइदर इज द लेंस और यू नो और इट्स हर, it's beautiful, she looks I think logon ko bahut acha lagega jab usko badi screen pe dekhenge. Thank you. Wow, so ye Sanam yani hum jab film dekhenge to hum heroine ko yaad rakhenge, hero ka nahi itna hame yaad rahega, hero se humne bas kar diya bhai. No, I think Noor has always been my confidence, ye hota hai to meri energy kahin aur hoti hai, so because we are best friends, to hum dono hamesha se ek dusre ko support karte hain, aur mazey ki baat ye hai dramas humne jab bhi kiye, ye main hamesha dikhaya wo ladki jo unke peeche bhag rahi hoti hai aur ye kisi aur ke peeche hote hain, to is baar movie mein hamari shaadi ho rahi hai, saath hai police finally we are a pair, so hum keh sakte hain ki movie is movie mein aake sanam ka jackpot lag gaya, waqai main bada roi hu, logon ne to ye jackpot kab ka lagane ki koshish ki thi, जिस दिन हमारा गाना रिलीज हुआ उसमें हमारा शादी का सीक्वेंस भी था, उस दिन मैं उठा उसके नेक्स्ट डे सबसे पहली चीज मुझे यूट्यूब पे किसी ने टैग किया हुआ था कि नूर और सनम की शादी, आइए इनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखते हैं, और पूरा उन्होंने कोई भी बंदा चंगी खबर सुनना ही नहीं चाहता, कितने लोगों को इंतजार रहता है कि क्योंकि हम पिक्चर्स बहुत पोस्ट करते हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड हर वक्त साथ होते हैं, तो दे वर लाइक आप शादी कब कर रहे हैं, तो हम बताना चाहते हैं हम 6 जुलाई को शादी कर रहे हैं, अगर आपको हमारी शादी देखनी है तो अपने सिनेमा बजाय अपनी फैमिली के साथ 6 जुलाई को। I think it's the best promotion line ever. बहुत आला। अच्छा, स्क्रीन के अलावा शादी जो है वो नहीं अभी कर रहे हैं, उसके बारे में आप अभी इतनी कोई उम्मीद ना रखें, तवक्को ना वो रखें। आपको मैं जैकपॉट से हटके शो में बताऊंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नान, आप इस फिल्म में और फिल्म आप में क्या कर रहे हैं, इसमें टपोरी बने हैं, गुंडे बने हैं, कुछ कॉमेडी बने हैं? नहीं, बिल्कुल एक सादा सा कंफ्यूज सा आदमी हूँ जिसके बहुत शेड्स हैं, उसको कुछ किया इस तरह सा है कि इट कम्स आउट वेरी फनी। हीरोइन कौन है आपकी? जी मेरे साथ पेरा है सना फाखर। उसमें वो आपके पीछे हैं या आप उनके पीछे? लाजमी बात है, ये जरा ट्रेंड मेरे ख्याल पुराना ही है कि कहते हैं लड़के हमेशा लड़कियों के पीछे होते हैं, और जो क्या हम एक दिखाए मैरिड कपल है, इट्स मोर लाइक ए ट्विस्टिंग एंड कंफ्यूज सिचुएशन, ठीक है, जिसको वी प्ले आउट विद अ लॉट, क्योंकि वो एक बंदा है जो कंफ्यूज है, जिसको हर इनसिक्योर है, तो आई हैव ट्राई टू प्ले विद दिस। बिल्कुल सही, क्योंकि जावेद शेख साहब और सना भी इस फिल्म का हिस्सा, जावेद शेख साहब, इस्माइल तारा साहब इतने ज्यादा बिजी हैं, महमूद असलम साहब, इफ्तिखार ठाकुर, उसके बाद क्या कहते हैं साजन अब्बास, ओए होए, तो कॉमेडी का कोई फ्लेवर मिस नहीं किया है, क्या है, चीजें ठीक हुई है। हाँ, और मैंने फिर शोएब को फोन करके जो डायरेक्टर है मेरे, मैंने कहा यार देखो बात ये है, जैसे अगर मैं कोई ड्रामे का सीन देखता हूँ जिसमें मैंने बहुत ही कोई रोने वाला सीन किया है, मुझे रोना नहीं आता, बिकॉज मुझे पता है कितनी ग्लिसरीन्स लगाई हैं और कौन साथ बैठा हुआ था, कितनी रीटेक्स हुई हैं, सो मुझे लग रहा था नेचुरली मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही होगा, कॉमेडी है, सब लोगों की लाइन्स मुझे पता है, मैंने खुद उसमें कुछ चीजें कही हुई है, बट व्हेन आई वाज सीइंग इट आई वाज क्रैकिंग, आई वाज रोलिंग ऑन द फ्लोर, और मैंने कहा कि यार अगर मुझे सब कुछ पता है, मैं इतना इसको एंजॉय कर रहा हूँ, सो इमेजिन जो लोग उसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको कितना मजा आएगा, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल, जैसे दो यंगस्टर्स, दो नए सितारे भी इस फिल्म में जो है वो नजर आएंगे। अच्छा, सोनू भी है, सोनू इनका भी कोई गाना है एक्सक्लूसिव? ये हमारे जो नया सॉन्ग है, पैसा कहा
फायजा का लवली डब्ली है, जो हीरो है वो इंडिया से है, रहना मनु तो वो आ नहीं सकी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब फिर इनायत तो यहाँ पे मौजूद है, इनायत यहाँ मौजूद है। आपने हमें हीरो हीरोइन का गाना तो दिखा दिया कि वो कैसा होगा कोरियोग्राफ करके, आप कोरियोग्राफ आपने किए सारे के सारे सॉन्ग, इसी तरह फर्स्ट फिल्म है जिसके सारे सॉन्ग्स मैंने कोरियोग्राफ किए हैं और मैंने परफॉर्म भी किया पार्टी सॉन्ग। थैंक यू वेरी मच, आपने तो बहुत अच्छा किया, वरना हमारे जैसे लकड़ी के पक्षियों को डांस करवाना बड़ी मुश्किल बात है। सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, मैं फ्री स्टाइल किसी में डांस कर लेता हूँ जिसमें मुझे हल्का फुल्का बीट का अली बीट का पता है, लेकिन उसको बकायदा मैथमेटिकली करना जो जो जानता है जो जो जानता है इससे मूव करना मेरे लिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मुझे एक्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है चीजें मुझसे, लेकिन डांस जो है ना आई थिंक दैट्स अ टफ चीज। अच्छा अदनान की सबसे कमाल बात पता है क्या है, अगर कैमरा थोड़ा सा क्लोज करके दिखा सके, अदनान ने जो खेड़ी पहनी हुई है, यानी लोग खेड़ी पहनते हैं आजकल, लेकिन जीन्स के साथ ये वाली खेड़ी जो है ये बड़ी कमाल है। ये कॉलेज के दिनों की है, हम सब सीधी करके रखे ना कैमरा ताकि उसको ले सके, गोल्डन वाली बाकायदा प्योर चकवाल, ये चकवाल का तिल्ला हाँ, और ये बस कॉलेज के दिनों का ये सलवार कमीज के नीचे तो फिर भी हम समझ सकते हैं, ये जीन्स ऊपर कोट और नीचे खेड़ी, देखिए स्टाइल वही होता है ना, बट यू क्रिएट आपको जिस चीज से, और मैं तो शुरू दिन से ही ऐसा हूँ कि मैंने हमेशा वही किया जो मुझे अच्छा लगता है। यू नो मैं थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और थोड़ा सा कई चीजें होती है ना, अल्लाह मीना को किसी के लिए चुना होता है, आपने अपना ही स्टाइल को लाना है, तो मेरा भी वही चक्कर है, अपना ही स्टाइल बिल्कुल सही। अच्छा ब्रेक पे जाऊंगी मैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारी खूबसूरत सी कास्ट में बहुत सारा ऐसा टैलेंट और हमने बहुत सारी एक्टिविटीज रखी हुई है, हम कुछ बातें करेंगे, कुछ खेल खेलेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ गाएंगे, तो आप भी इंजॉय करेंगे, रहिएगा साथ एंड डोंट मिस जैकपॉट 6 जुलाई को अपने सिनेमाज में जाके देखना। आप मिल रहे हैं आज एक नई सुबह में फिल्म जैकपॉट की कास्ट से, जिसमें नूर है, जिसमें सनम है, जिसमें अदनान है, जिसमें इनायत है, जिसमें फायजा है, जिसमें सोनू है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फिल्म में हैं लेकिन आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आज हम इनके साथ मिलकर ना जैकपॉट लगाने लगे हैं, हम भी एंजॉय करेंगे। एक सेकंड, मैं माफी चाहता हूँ काटने की, सिर्फ उन लोगों को हम सलूट कह दें, क्या कहते हैं, जावेद शेख साहब, इस्माइल तारा साहब, महमूद असलम साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब, सना फखर और जितने भी जो हमारे दोस्त वक्त नहीं है, वी आर मिसिंग यू एंड वी लव यू सर। ग्रेट, जो हमारे डायरेक्टर है सारी फिल्म जो है इतनी अभी हम उन्हें बुलाएंगे, वो ये अच्छी बात है, हमारे प्रोड्यूसर पूरम पूरम साहब। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक गेम की तरफ, एक एक्टिविटी की तरफ, उसको वो ये है कि हमने एक बॉक्सेस रखे हुए, हर एक बॉक्स में एक जैकपॉट है, 12 बॉक्सेस, या 12 बॉक्सेस, आप बार बार जाएंगे ना दो दो बार, हाँ, तो आप खोलेंगे उसको, उसके अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ आप देखेंगे, हमें नहीं दिखाएंगे। उसको देखने के बाद दरवाजा आप कर देंगे, उसका डब्बा कर देंगे बंद, एंड देन आप उसे सेल करेंगे, मार्केट करेंगे, गाने में समझाएं, बोल के समझाएं, इशारों में से, नाम नहीं लेना उस चीज का, ठीक है, जो समझ पाएंगे हम तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जैकपॉट लग गया, ठीक है, और आपको डांस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे, आप हमें नहीं समझा पाएंगे, तो एक गाना चलेगा, I like वो डांस में ना मुझे देख, और वो गाना डांस कर, knowing, और वो knowing my capabilities, तो गाना गाना चलेगा, तो आपको उस गाने को देन परफॉर्म करना होगा, ये हमारा जैकपॉट होगा, ठीक है, तो अब देखते हैं किसका जैकपॉट लगता है, इनका या हमारा। ओके सो लेट्स स्टार्ट, कहाँ से शुरू करूँ मैं, सीधे हाथ से शुरू करूँ कि उल्टे हाथ से, पहले सनम से, ये लेडीज़ फर्स्ट क्यों होता है, मैं आपके लेडीज़ आर ऑलवेज़ फर्स्ट, हाँ लेडीज़ शुड बी फर्स्ट, आपको पता है सिर्फ खातून है जिसके नाम के साथ लगता है फर्स्ट लेडी, कभी मर्द के साथ लगा है फर्स्ट मैन, क्या चूज करूँ जी, क्या चूज करूँ, इतने सारे नंबर्स, सो नंबर वन, मैं चूज करूंगी 6, बिकॉज़ 6 जुलाई को हमारी मूवी रिलीज हो रही है, आई होप मैं ये, ठीक है, यही क्यों होता है, इधर से इधर ये लोग देख रहे हैं, ओके नहीं बिल्कुल नजर नहीं आया, देख लिया उसने, चलें अब सेल करें, मार्केट करें, मार्केट इट, ओके सेल इट। मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पेरेंट्स के लिए तो परफेक्ट है, पैम्पर, ओह सॉरी वी कांट टेक ब्रांड नेम्स राइट, ऑफ कोर्स, हां नो इट्स नॉट अ ब्रांड, इट इज कॉल्ड अ डायपर, डायपर, डायपर,
I swear to God मुझे नजर नहीं, but diaper था। हाँ। Good line। इसने parents का कहा तो I thought parents के लिए। parents से सिर्फ pampers याद आते हैं। लेकिन मुझे खरीदना पड़ेगा वो। Please। नूर ने आंखें बचा कर इधर से देख लिया, इसलिए अब मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी। मैंने भी नूर को देखा है और नूर ने कितना जल्दी रेस्क्यू किया। सुने, जैकपॉट मेरा लग गया, मैं बच गई। आपका तो जैकपॉट लग गया। चलो नूर, अब आप आओ, अब आप ही फंसेंगे और यही डांस करेंगे। I'm so serious, मुझे लग रहा है। अब आप कोई खोले। Okay, you give me the box. Number four? Yeah. मुझे भी नहीं पता इसमें क्या। आप लोग बताएं कौन सा नंबर। नंबर। इन्होंने ये किसी वजह से मुझसे कह नहीं है, because I think. Number seven. Number seven. Good, good. That's even better. Seven. Okay. It's not difficult. ठीक है। सबसे पहले सनम वाली लाइन पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फीडर, एक सेकंड, ये वो चीज है जो अक्सर हॉरर मूवीज में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। बच्चों की चीज है, हॉरर मूवीज में बहुत ज्यादा यूज होती है। बच्चों के लिए यूज होती है, बिल्कुल। नहीं कौन सा, कौन सा? वो रुई की भी होती है, वो प्लास्टिक की भी होती है। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है अब अगर सनम गएंगी तो नूर नहीं बुझेंगे, नूर गएंगे तो सनम नहीं बुझेगी। नहीं नहीं, ऐसे ना करें, बाकी लोग बुझेंगे। लेकिन आए अदनान, आप आइए, अब देखते हैं, अब देखते हैं अदनान के हिस्से। मेरा लकी नंबर तो 8 है। 8 है, ठीक है। मुझे जन्मू नहीं नजर नहीं आया। चले नंबर, इसको छोड़ दे, यही नंबर है यार, यही नंबर। दिमाग काम बताए क्या है। गाना लेना है, गाना गा के गुजारूंगा। अच्छा, गाना आपने कहा था गाना गा के भी गा सकते हैं। इतना मजा तो अगर सनम भी परफॉर्म करती है, दीपू क्या बात है आपकी, आपने तो यहाँ पे रंग बांध दी, क्या बात है आपकी। और आप कहते हैं आप डांस करते हैं, इस तरह के और मुजाहिरे देखे हैं तो प्लीज देखिए हमारे जैकपॉट। मैंने कहा था ना 8 मेरा लकी नंबर है। नहीं तो ये 8 हाजरा में क्या मिथ है, हाजरा का डेट ऑफ बर्थ 8 है। लेकिन इतना प्यार नहीं है, भाभी का प्रेशर। कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर भाभी कुकर है। आपकी बारी। नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे थे, किसी और को भेजना? नहीं 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 भाई, खोलो, एक नंबर को भेज। एक नंबर खोले, शौक से खोले, खोले, ये एक नहीं है, दो नंबर खोले बेटा, दो नंबर। क्या हो गया यार, तू खुश हो गया मुझे मैं देख लिया। अच्छा, वैसे नहीं देखा मैंने, नहीं बोला। I haven't seen it. नूर आपने नहीं बोलना। I won't. और सनम आपने भी नहीं बोलना। और टी अदनान आपने भी नहीं बोलना। तो बोलना किसने? हम अपने किसने सब कुछ देखा है। चलो मैं एक्ट भी करके, मतलब कि बोलूं ना और एक्ट करके बताऊं, और सोच सकते हैं। भी गा सकते हैं। नाम नहीं, गाना भी गा सकते हैं। क्या बता सकते हैं? हां। दुपट्टा, दुपट्टा, दुपट्टा। शर्माना दुल्हन के कपड़े, दुल्हन गरारा, गरारा, लहंगा, चादर, घूंघट, 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 दुपट्टा, दुपट्टा, नाम ले लिया इनके, ये भी डांस करेंगे। दुपट्टा घूंघट कह रहे हैं, असल में ये लाल दुपट्टा है। तो दुपट्टा में लाल नजर आ गए तो हमने फैमिली है ना यार, फैमिली है ना, फैमिली लेकिन डांस इसे फिर भी करो है। तो आप सीधा करते ना, इनायत बहुत अच्छा डांस करते हैं। हम चाहे थे इनायत के लिए गाना लगाए, चैंपियन आदमी। चले मुंडिया दुपट्टा छड़ फेरा निशन माता।
लगता है दूसरा डांस भी करवाना पड़ेगा सोनू के सारे शो पे वो सात डायरेक्शन भी दे रहे हैं जब से आए पकड़ पकड़ नहीं इधर आओ ना ये करो ना थैंक यू नाइट बैठेंगे वो कोरियोग्राफर है ना अच्छा वैसे सोनू जैसे कोरियोग्राफर के साथ काम करना कैसा लगा इतना बहुत मजा आया मुझे है ना हम जितने भी मसले करें जितनी देर से सीखें ये अपनी पूरी एनर्जी देते हैं हमें पूरा टाइम दिया और पूरा सिखाया थैंक यू सो मच हम जब थाईलैंड में शूट कर रहे थे फुकेट के अंदर तो हम 15-15 घंटे हमारी शूटिंग होती थी उसके बाद हम रात को 10-11 बजे वापस आते थे होटल में फिर उसके बाद हमें कोई रात के 3 बजे तक डांस रिहर्सल करनी पड़ती ओए होए और मुझे याद है एक दिन बदला ले रहे थे कोई इनसे बेचारों से नहीं नहीं बदला नहीं मुझे पता था कि क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम सबके साथ काम कर रहा था लेकिन मुझे पता था इनमें टैलेंट बहुत ज्यादा है और ये सब लोग जो है ना पिक्चर सबकी बहुत अच्छी है ठीक है बस थोड़ा सा उसको मुझे सिखाना था फाइजा की बारी आई है ज्यादा अच्छा इन्होंने फाइजा देखते हैं क्या निकालती है और फाइजा डांस कैसे करती है मेरा लकी नंबर तो 7 था देख ही रहा क्या है अब आप बताए सेल करें अच्छा तो ये जो है बेसिकली दूर आप लोग होंगे तो आप लोगों को सुनने के लिए काम आएगी टेलीफोन नहीं जब हम बहुत दूर होते हैं मोबाइल अच्छा दूर होते हैं लाउड स्पीकर नो नो शी इज लाइक नो ओके देखो आप बहुत दूर होते हैं तो सुनने के लिए काम आते हैं मोबाइल नंबर 11 आप खोलेंगे इसीलिए हमने आपके लिए नंबर बचा के रखा है नंबर 11 आप खोलेंगे और फैजा आप नहीं बोलेंगी आप भी नहीं बोलेंगे नाइतम क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया ठीक है आप दोनों नहीं बोलेंगे और सनम आप तो बिल्कुल रेस्क्यू नहीं करेंगे दो सेकंड्स लगे डिसाइड करने में किसको कि क्या करना है ठीक है अब आप बताएं ओ ये इसमें भी कोऑर्डिनेशन है अच्छा अच्छा सनम ने तो नहीं बोलना ना सनम ने आप नहीं बोलना आप लोगों को मैं कहता हूँ ये वो चीज सॉरी फाइजा ने और इनायत ने नहीं बोलना इनको बताएं इनको इन दोनों ने सिर्फ नहीं बोलना ऑडियंस ने फिर बोलना जी सिर्फ इन दोनों ने नहीं बोलना अच्छा ये वो चीज है जो कि डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं शोएब के हाथों में भी अक्सर वो चीज होती थी डायरेक्टर कैमरामैन थोड़ी मैंने कहा डायरेक्टर कौन सा कैमरा हाथ में पकड़ता है माइक और माइक का ऑपोजिट क्या है वो जो स्पीकर होता है लाउड स्पीकर वाओ यू आर सेम अब तुम लाउड स्पीकर हमने नंबर 6 खोला था अरे अभी काफी रहते हैं बॉक्स अभी नंबर 5 रहता है 3 4 9 रहता है 5 12 ओए ये तो मेरा भाई अंदर ऑडियंस में कितना क्यूट है निकाल आई लव मंकीज अगर मैं इंसान ना होती तो मैं चाहती मैं बंदर होती मुझे इतने पसंद है बंदर चलिए अब आप एक काम करें आप बताएं साथ रहेगा बंदर की गेस कैसे करेंगे आप ये मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जब बच्चे रोते हैं हम उनको सबसे पहले क्या देना चाहते हैं चूसनी ओह वेरी गुड ऐसा तो मोर अब हमने करना ये साइकिल लेकर आओ यहाँ पे ये एक साइकिल है ठीक है लड़का पार्टी के लिए ये वो है कि आप लोगों का जैकपॉट तब लगेगा जब आप लड़की को मना लेंगे कि वो इस साइकिल पे आपके साथ बैठ जाए अब आपने इस सिचुएशन को क्रिएट आपने करना है अदनान पहले आपसे शुरू कर रहे हैं हम अदनान शाह उठे हाँ उठ जाए कि हमने इस साइकिल पे आपने लड़की को बिठाना है अब जिस भी लड़की को आप ऑफर करना चाहें वो मान गई तो मान गई ये आंटी ऑडियंस में से भी कोई भी हो सकती है
जो आपको अच्छी लगी। एक दो लीरे लेके मैली बस बह के कुड़िए आ जानी तुआरा। बड़ा बड़ा अदनान, बहुत मैं मान गई हूँ आज आपको। ये आंटी थी जो कि अदनान पे सदके वाली जा रही है मुसलसल जब से अदनान शो में। यार ये जो है ना माँ है ना, तो बस हाँ मैं अब ये मेरी भी माँ है। जीते रहे, जीते रहे। तो मैं अच्छा आंटी आई गई है यहाँ पे, तो माइक कहाँ है? माइक आपके पास है, किसके पास है? लाइए माइक। हाँ माइक 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 देना। अच्छा आंटी ये फिल्म है, ये फिल्म लगनी है 6 जुलाई को। अच्छा। फिल्म का नाम है जैक पॉट। केड़ा हीरो सब तो चंगा लगा है? सॉरी अच्छा नहीं, ताड़ा फेवरेट हीरो केड़ा है? देखा देखा अदनान उस वक्त से देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा उनपे सबके बारी कौन जा रहा है, तो अदनान ने जाके उन्हीं को उठाया। मैं ताड़े लिए गाना गा दूं? गा दो। चले जी नहीं मेरे नाल किसी, मैं ताड़े लिए गाना कितनी मजा। नकटन दिना लंगे रात कलम गली में बेजार ते खालाया लड़िया मोती रंगो चढ़िया गूंगे समंदर तार पहर पल्ला वे तेरी याद पहर पल्ला ने दिन दिया ने तेरी संगिया आजा उड़ा लेना मेरा दिल बोलना मैं ते मर जाऊंगी तेरे बिना साड़ा कले कह रही थी जब अदनान टीपू वहां पे गा रहे थे तो आप टीपू को कुछ कहती थी ना आगे से? क्या कह रही थी? मैं आप भी देखी है गाना सुना रही थी। नहीं जब वो गा रहे थे आप क्या कह रही थी? आप कह रही थी शाबाश शाबाश कह रही थी ना, तो उसे कहे ना शाबाश अब शाबाश शाबाश। थैंक यू सो मच। और मुझे इतना अच्छा लगा है कि आंटी शो में आई है देखने के लिए, ये बड़ी बात है। इसलिए कि मेरी अम्मा को कहे ना तो वो हिलती नहीं है इधर से उधर जाने के लिए। आंटी सुबह सुबह उठ के शो देखने आई है हमारे। थैंक यू आंटी, हमारे लिए ऑनर है कि साड़ी माँ आई। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। अच्छा जी अब इतनी एक दो ने आपने पूछा था कि फेवरेट हीरो कौन है, और इस सिचुएशन के बाद एक्चुअली टीपू मेरे भी बहुत बड़े हीरो बन गए। लेकिन अब वो इस गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले गए, नेक्स्ट लेवल पे ले गए। अब क्या कहें, आपका लग गया। अच्छा अदनान हैज आई फॉर एवरीथिंग, आप लोगों ने देखा, मगर ये मैं भी देख रही थी, मुझे पता था जब मैंने एनएक्स लगा के 10 मिनट बैठे उन्होंने पूरा जायजा लिया। जब मैंने अदनान सिचुएशन में क्या करना है, जब मैंने अदनान को ये ऑप्शन दी थी ना कि आप ऑडियंस में से भी उठा सकते हैं, तो आई प्रिसाइजली न्यू कि अदनान किधर जाएंगे। अच्छा जी चले अब बारी आती है नूर आपकी। अच्छा मैं थोड़ा सा ट्विस्ट चाह रहा था। हाँ, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अब क्योंकि मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि मर्द और औरत हर चीज में बराबर है सोसाइटी को रन करने के लिए, मुल्क को रन करने के लिए, इस दुनिया को रन करने के लिए। सो व्हाई ऑलवेज men have to make the proposition? Why can't you ride the bike and you ask me to sit and let's see if I sit or not? वैसे भी तो आपको घर से मैं ही पिक करने आती हूँ, you तो never come out, मैं ही पिक करने जाती हूँ नूर को, कहीं पे भी जाना मुझे लेके जाना पड़ता है। वाकई नूर never, नूर is like घर पे, she's my best friend because और ये नहीं नहीं तो लेकिन बंदा थक जाता हो कहते जा यार मैं मतलब बैठे ठीक कर लूँ। सनम को अगर point A to B जाके मुझे पिक करना पड़े ये एक लाइन बोलूंगी आप कन्विंस हो जाओगे। मैं तो जा रही हूँ 6 जुलाई को जैकपॉट देखने के लिए। तुम पहले मैं राइट, that was very clever, that was very clever। अगर आप दोनों से देखने चलते चलो, you drive स्टैंड से निकाल लो। हाँ। स्टैंड उतार लो। क्या मैं थोड़ा सा कर लो इसमें, गिरूंगी तो नहीं? आपको क्या लगता है मैं राइड कर सकता हूँ? इसका स्टैंड उठा है, लॉक किया हुआ है, इट्स ओके। हाँ स्टैंड कैसे निकलेगा? अब मुझे डर लग रहा है। हाँ अब स्टैंड नहीं कहा था आईडिया। देखो पूरी मूवी में हीरोइन अपने हीरो पे भरोसा किया है। नूर कितने होशियार हैं, नूर ने बगैर कहे आपको पीछे बिठा लिया अपने साथ बगैर।
लेकिन नूर की स्मार्टनेस के लिए तालियां। नूर ने एक लफ्ज नहीं कहा सनम को हाँ कि आप बैठो साइकिल के पीछे, लेकिन सनम नूर के साथ साइकिल पे बैठ गई। ये होता है बंदे का कमाल, रिवर्स साइकोलॉजी। ये होता है बंदे का कमाल। अच्छा जी, घर वापस जा रही है साथ, सारी की सारी हुक्म क्या क्या, एक बनू और एक साइकिल। अच्छा बिल्कुल सही, मैंने कहा आप कहेंगे एक नूर और एक नूर तो वैसे ही घर का बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब किसने साइकिल पे बिठाना है? इनायत आपकी बारी है, आपने इनायत तुम्हारे लिए बचा सोनू। हाँ इनायत, अब आपने तुम सोनू को बिठाओ, ऑडियंस में से बिठा सकते, फायदा है, फायदा है ना। चलो कन्विंस करो कि फायदा को कैसे आप जाइएगा। आप चलिए, मैं पीछे अपन तेरा माइकल, ये मेरा साइकिल, चल दिया घंटा ला फाइजा इस तरह से कोई ऑफर करे ना तो उसको तो ऐसे करीब जाते से पता भी ना चले कि करने के आ रहे हैं। अगली दफा वो किसी दूसरे अनलेस कोई आपके सामने नीज पे नहीं आता और वो आपको नहीं कहता कि आओ और बैठो, आप क्यों जाएंगे किसी के साथ? अब तो सुनो यार, मुझे लगता है कि मर्द जो है वो नीज पे बैठता हुआ कैसा नहीं आपके साथ सिचुएशन में सीरियसली अब तो ये नहीं बैठनी चाहिए, भीड़ का कोई काम नहीं आया, आपने अच्छा ये वो दौर खत्म करो जब मर्जी से खड़े हुई हूँ। यही वो साइकिल है जिस पर बिठा के मैं तुम्हें चांद पर, फायजा यही वो साइकिल है जिस खाने पे देखे खाने के लिए मेरे पास ये भी है। अच्छा वैसे कितना शॉविनिस्ट है इनायत, कहने के बावजूद कि यार नीज पे जाके उसे कहो कि वो आ जाएगी और नहीं जा रहा। अच्छा मतलब मर्द को नीचे बिठा देना, बातों से मत मानना, मतलब मुझे कि इनायत की या तो शादी की डेट फिक्स हो गई या कोई गर्लफ्रेंड है या कोई सीन है, वो नीज पे नहीं जा रहा फ्रेंड बहुत टाइट है। चलना पसंद करेंगे चाचा मूवी देख रहे हैं, लोग आएंगे ना। चले गुड, थैंक यू सो मच। खुश आमदी जनाब, हमारी जैकपॉट का एक बंदा मिस हो गया बीच में से, वो चाय भी नहीं गई। बिल्कुल सही। अच्छा अब थोड़ा सा लड़ाई कितनी हुई इस तरह, किस किस की हुई, कितनी कितनी हुई? सच में पूछ रही है या वैसी? नहीं नहीं, असल में खालिस प्योर वाला इनसाइड। आई थिंक मैं सनम बहुत अगेन पुराने दोस्त हैं, अभी आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कितने पुराने दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। नूर कितने पुराने दोस्त हैं? 5 years. But वो 5 years seems like forever. Because हम बहुत ज़्यादा time spend करते हैं, but I think लड़ाई से I think the only time हमारा हल्का सा अगर कुछ हुआ भी था तो वो शूट के दरमियान में कुछ हुआ। हाँ एक एक क्योंकि नूर और मैं हम बहुत अलग-अलग situations में stressed out थे और वो collectively I think कुछ इस तरह की situation हुई थी। पहली बार नूर से डांट पड़ी और मैं रो रो के पागल। I still ladies and gentlemen please वो इस बार अच्छा ऊंचा। So तो आज जो आपने 100 runs बनाए आपको कैसा feel हो रहा है? अच्छा हम लड़ाई पे वापस आते हैं, बड़ा सीरियस मौजू चढ़ा सामने। अच्छा तो नूर ने आपको डांट दिया? अब बात बताऊंगी तो आप लोग बहुत हंसने वाले। वो क्या सारी रात
मैं नूर को प्रैक्टिस करवाती रही डांस मूव्स, हम लोग जो सोनू ने हमें करवाए हम प्रैक्टिस करते रहे क्योंकि हम लोग इतनी मस्तियाँ करते थे, वो डांस मूव्स हमने आई थिंक प्रिपेयर प्रॉपरली नहीं किए थे जिस दिन परफॉर्म करना था, तो इसलिए हमने सारी रात लगाई. तो जब हम सेट पर गए तो हम कुछ एक दूसरे का वो मैच नहीं कर पा रहे थे, तो फड्डा हो गया. उस बात पे तो फड्डा तो आपका होना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था नूर. तो फिर नूर ने आपको सी फिल्म जो है ना एक बहुत बड़ा प्रेशर है. मैं हमेशा से कहती हूँ फिल्म और ड्रामास एक्टिंग की एक नहीं है. ड्रामास की एक्टिंग बहुत आसान है एज कम्पेयर टू फिल्म. फिल्म का एक प्रेशर अलग होता है. तो डांस हम तो यहाँ कितने मजे से करते हैं. मुझे लगता है कि फिल्म में काम बड़ा तसल्ली से और आराम से होता है. आप मूवीज करते हैं, हमारी थी फर्स्ट मूवी थी, नहीं है हमारी फर्स्ट मूवी, तो हमारे ऊपर एक अलग प्रेशर है. हमारे जो जितने फैंस हैं, कौन सी हीरोइन की तरह चाहती हो आप, बड़ी स्क्रीन की कौन सी हीरोइन है जिसकी तरह आप चाहती हो आपका करिश्मा हो, क्रेज हो, आपका नाम हो, आपके मुल्क से बाहर, बल्कि मुल्क से बाहर का ही नाम लो, मुल्क का नहीं. मुल्क से बाहर मुझे मुझे दीपिका बहुत पसंद है. ठीक है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर. फिर अपनी पाकिस्तान से आई रियली लाइक माहिरा खान. आई थिंक उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. शी इज गुड, शी कमाल एक्टर. और यहाँ पे क्या सीन है? मैं किस जैसा? मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट है. I'm very see, मेरी भी लंबी थी, I'm short very impressionable. मुझे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आपने के बाहर की भी ऑप्शन दी है. तो एक अदाकार है, उनका नाम है डेनी डे लुइस. अच्छा. जिनकी लिंक्डइन भी आई थी. अभी उनकी और मुझे उनकी मेथड एक्टिंग और मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज ये लगी, दिस इज हाउ आई वांट टू एंड माय करियर टू. ही वो इस वक्त अपनी करियर के पीक पे थे जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी आखिरी फिल्म करेंगे, और वो 60 साल के हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी की बेस्ट क्रिएटिव फिल्म दी है जिसका नाम है फैंटम थ्रेड. और उसके बाद अभी उनकी पीछे लाइन लगी हुई, लोग कह रहे हैं प्लीज 7 ऑस्कर्स आप जीत चुके हैं, प्लीज एक और फिल्म कर रहे हैं. And he says no, now he's just going to enjoy the life. So eventually I want to do that too. बीच में वो क्या कहते हैं, जूते बनाने पे चले गए थे. फ्रांस के एक एंडी जो उनका बॉर्डर है उसमें करीब छोटा सा गांव है, उसमें वो भाई जिसने 4 ऑस्कर जीते हुए हैं जूते बना रहा था. तो देखा eventually everybody end up pursuit of happiness. Pursuit of happiness. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. अच्छा, ये तो हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं ना. हमारी बहुत इम्पोर्टेंट टीम मेंबर हैं सामिया खान, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ होती हैं एक से. हमने उनको भी कॉल पे अब लिया, आज वो आ नहीं सकी, लेकिन हमने उन्हें कॉल पे लिया है. अच्छा. कि हम जान सकें कि बेहतरीन दोस्ती प्लस जैकपॉट प्लस आने वाले दिनों में क्या वो प्रिडिक्ट करेंगी, क्या वो हमें बताना चाहेंगे. ठीक है जी, सामिया है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम. नहीं है, नहीं, हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही सामिया की. अस्सलाम वालेकुम सामिया खान, कैसी हैं? हैं या नहीं है? नहीं आ रही. अच्छा चलो, फिर हम थोड़ी देर बाद कॉल लेते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं. इसमें करना ये है, अगेन कुछ एक्टिविटीज हैं जो टीम ने डिजाइन की हुई है, डिवाइस की हुई है, जो कि हमें करने में मजा आ रहा है, लेकिन वो साइकिल जैसी नहीं होनी चाहिए. अब मैं उठ के डांस भी नहीं करूँ. अच्छा, तुमने याद करा दिया है सनम, साइकिल साइकिल. मुझे एक चीज समझ में आती, जब कोई छोटा बच्चा गिरता है हम हंसते नहीं है, जब कोई बड़ा बंदा गिरता है वो उस पे क्यों हंसी आती है, मुझे आज तक समझ नहीं आई. बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है ना, जब छोटा सिचुएशन बड़ा हैंडल करने के लिए. और प्लस मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह से फायजा क्योंकि वो बड़ी हैं और वो गिरी, आप सब लोग हंसे हैं. मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, जब आप 6 जुलाई से ऑनवर्ड्स हमारी मूवी जैकपॉट देखेंगे, इससे ज्यादा हंस के गिरेंगे, सीटों से गिरेंगे. अब आप लोग की बारी है. बिल्कुल सही. लेकिन फायजा इसमें एक और लेसन भी है, मैं मना कर रही थी कि ऐसे बंदे के साथ नहीं बैठा करती, तुमने मेरी बात नहीं मानी है ना, तो देख लिया नतीजा क्या निकला. बस वो एक कर्टिसी वाला, असल में हाँ वो मैंने मुझे ऐसा लग रहा है ये जानबूझ के किया है. वो शुरू में मैंने कहा ना कि नीज पर आओ, हाँ उस वजह से ऐसा फील हो रहा है कि ये जानबूझ. असल में मैंने ऑफर एक ऐसी बदला लिया है, मैंने ऑफर ऐसी दी थी जैकपॉट के 2 टिकट्स की, तो उसके बाद तो कोई भी लड़की आ सकती थी जैकपॉट देखने. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ये बहुत सारी पर्चियां लगी हुई है और नंबर्स लगे हुए, हम इस बीच की बारी है, आप आएंगे, आप आएंगे.
तुम्हारा कौन सा नंबर निकलता है? इसे घुमाऊं क्या? हाँ, इसको एक चक्कर दे दे, जोर से दे दे चक्कर। तो जैकपॉट जिसकी कास्ट से आज आप मिल रहे हैं, क्या खूबसूरत लोकेशन है। अभी कहाँ शूट किए हम लोगों ने? थाईलैंड में मूवी शूट की, फिर बलूचिस्तान में। ये जो नीला पानी था ये कहाँ था? ये बलूचिस्तान, ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड। थाईलैंड में था। अच्छा, और वो शाही किले से आप लोग निकल के आ रहे हैं लाहौर। ये सबका हमने ब्लेंड चेक करे किस तरह हमारे डायरेक्टर ने बनाया। इसके बाद हम बलूचिस्तान में थे। इसके बाद बलूचिस्तान में। वेरी गुड। अब सर शुएब खान, शुएब शेख, शुएब खान डायरेक्टर का नाम है और खुर्रम हमारे प्रोड्यूसर हैं। और उन दोनों को मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि खुर्रम रियाज और उनको उनका कॉन्फिडेंस इस प्रोजेक्ट पे, हम सब पे, क्योंकि इस टाइम पे फिल्म मेकर्स के लिए रेवेन्यूज थोड़े से ट्रिकी हैं, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन फिर भी अपना हार्ट एंड सोल इन्वेस्ट करना उसमें। सो थैंक यू खुर्रम एंड थैंक यू शुएब फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल फिल्म। और प्लस मैं क्या कहते हैं, हमारी फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। नवीद नाशाद, थैंक यू वेरी मच, आपने अमेजिंग म्यूजिक हमें दिया और लोग इतना पसंद करें हमारे चेहरे में। इसके लिए कुछ लोग का और भी नाम ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू शेरी, आपने इतना अच्छा शूट किया, प्लस अनुभव बंसल जो इंडिया से थे, उन्होंने हमें थाईलैंड में शूट किया, और जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं फरा दीबा और कबीर गिल, इन्होंने भी हम पे बहुत मेहनत की, आप इतने प्यारे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। और सादिया, आप तो हमारी टीम का एक बैकबोन है, आप नहीं होती तो सब कुछ बिखरा होता। थैंक यू सादिया फॉर बीइंग देयर एवरी टाइम। सादिया शोएब हम जो है वो वाइफ है हमारे डायरेक्टर की, प्लस She's an official stylist of the film. और मैं कह रहा हूँ जितने हमारे ENG के भी बच्चे थे, स्वैप से लेके वो बच्चा जो हमें चाय तक भी पिलाता था, डेफिनेटली हम उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा उनको इग्नोर, ENG के हमारे बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और अगर कभी अल्लाह ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया तो उनके लिए जरूर बोलूंगा। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसको हम भूल ही जाते हैं, अभी तक हम बात करें फैब्रिक की, जो स्टिचिंग होती है वो करते एडिटर, मुझे एडिटर का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो भी हमारे फिल्म कैरेक्टर है, थैंक यू सो मच, बिकॉज आई हैव सीन सम क्लिप्स एंड ब्यूटीफुल। अब आप अपने व्यूअर को क्या कहेंगे, मतलब वो क्यों देखने आएंगे आपकी फिल्म? हम अपने व्यूअर्स को ये कहेंगे कि अगर मैं हमेशा बात करता हूँ कि नॉर्मल पाकिस्तानी की जिंदगी में अभी उस लिहाज से जो आइडियल सर्कमस्टेंसेज हैं खुशियाँ हासिल करने के, अगर वो नहीं है तो इट्स अ रिफ्यूज। आप जाएं दो घंटे के लिए, खूब हंसे, खुश खुश वापस आएंगे। अच्छा, नूर इतने संजीदा हो चुके हो जितने संजीदा आप छोटी स्क्रीन पे एक्टिंग करते हो, टू सीरियस, टू सीरियस। गुड, वंडरफुल, गुड लक टू यू ऑल। अल्लाह करे कि जैकपॉट जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जैकपॉट हो, इसलिए कि हमें भी अच्छी फिल्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ा। इजाजत लेंगे आपसे, और इस फिल्म के कोरियोग्राफर जो है वो सोनू है, जिन्होंने इन सबको ऑन टोज रखा, जबरदस्ती डांस परफॉर्मेंस एंजॉय करने वाले। तो जाते जाते इस फिल्म का एक मेगा सॉन्ग है आप लोगों का, क्या कहेंगे उसको? लवली लवली। और वो आइटम नंबर है क्या? बिल्कुल पार्टी सॉन्ग है, अभी तक प्रॉपरली रिलीज नहीं हुआ, बट उसका हम दिखा चुके हैं अपने ट्रेलर और प्रोमोस में। उसमें डायरेक्टर जो मेरे थे उनका था कि ऐसा स्टेप होना चाहिए जो हर कोई कर सके, तो उसमें हमने ये स्टेप उसपे बनाया। अभी सारी ऑडियंस मिलके किया है, हम सब ऑडियंस मिलके ये वाला स्टेप कैसे, ऐसे ये वाला स्टेप कैसे करना है, सब अंट आप भी हाथ उठाए ना, कहा नहीं अदनान की फेवरेट आंटी, ठीक है, चले जी, अल्लाह हाफिज, और एंजॉय द सॉन्ग एंड एंजॉय द फिल्म ऑन 6 जुलाई।